हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं OSPF वर्जन 3, राइट। OSPF वर्जन 3 का हम लोग लैब कंटिन्यू करेंगे। थ्योरी पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, वो आपका OSPF पार्ट 20 होगा आई थिंक, थ्योरी, राइट। ये आपका 21 पार्ट है। इस OSPF लैब में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से टाइप 1, टाइप 9 और टाइप 8 LSAs में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से टाइप 9 LSA जनरेट होता है, राइट। प्लस हम लोग बात करेंगे SPF कंप्यूटेशन की, कि इंट्रा एरिया में किस तरीके से हम लोग SPF कंप्यूटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तक हम लोग इंटर एरिया की बात कर रहे थे, राइट। अभी तक हम लोग इंटर एरिया की मतलब मल्टीपल एरियाज क्रिएट करते करके SPF के कंप्यूटेशन को हम लोगों ने क्या किया हुआ था, रिड्यूस कर लिया था OSPF के अंदर, राइट। बट अभी हम इंट्रा एरिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंट्रा एरिया मान लेते हैं आपके पास सर्विस प्रोवाइडर एंड का नेटवर्क है, तो आपके पास करोड़ों यूजर्स होंगे, मीन्स लाखों यूजर्स होंगे, राइट। उन लाखों यूजर्स के लिए नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और उस नेटवर्क में एक एरिया के अंदर हो सकता है कि 40 to 50 राउटर्स भी कनेक्ट हो। अगर एक एरिया में 40 to 50 राउटर्स कनेक्ट हैं, इट मीन्स आपने इंट्रा एरिया में ही SPF से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये वर्जन 2 के साथ थी, राइट। तो वर्जन 2 में इंट्रा एरिया में SPF कंप्यूटेशन को रिड्यूस करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो आप ये बोलिए कि वर्जन 3 एक अपडेटेड वर्जन है वर्जन 2 का, राइट, जिसमें हम IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और V6 की कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से देखेंगे कि किस तरीके से जो टाइप 1 LSA था, राइट, उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद SPF कंप्यूटेशन रिड्यूस हो रहा है इंट्रा एरिया में। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूं। टोपोलॉजी के अंदर आप देखिए, मैंने मल्टीपल राउटर्स लगाए, मीन्स 4 राउटर टोटल कनेक्ट है। हर राउटर पे मैंने दो दो लूपबैक प्रोवाइड किए हुए, राइट, सभी राउटर्स पे दो दो लूपबैक दिए हुए मैंने। तो अभी इंटरफेस पे ऑलरेडी IP एड्रेसेस मैंने असाइन कर रखे हैं, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इंटरफेस पे कौन कौन से एड्रेस असाइन है। मैं R1 राउटर पे आपको इंफॉर्मेशन चेक कराता हूँ, राइट। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, इसमें देखिए, तो मैंने एक इथरनेट 0/0 पे एड्रेस असाइन किया हुआ है, एक इथरनेट 0/1 पे एड्रेस असाइन किया हुआ है, जो कि R2 और R4 के साथ कनेक्टेड है। और मेरे पास दो लूप बैक हैं, एक लूप बैक 1 और लूप बैक 2। ये R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। इस तरीके से मैंने R2 पे भी इंटरफेसेस असाइन कर रखे, R3, R4 पे, सभी पे लूप बैक्स प्लस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी, राइट। तो एक्चुअली हम लोग अभी जो चीज़ों को देखने वाले वो ये हैं कि मैं क्या करता हूँ, जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उस पर बात करूँगा। मेन पॉइंट्स क्या हैं कि अभी क्या जनरेट होने वाला है, जब मैं OSPF एनेबल करूँगा, मीन्स इन नेटवर्क्स को जो भी लूपबैक्स हैं या फिर जो इंटरफेस पे IP एड्रेसेस हैं, इन्हें जब मैं OSPF में एडवर्टाइज करूँगा, राइट, वो इन इंटरफेसेस को OSPF में ऐड करूँगा, तो होगा क्या कि OSPF वर्जन 3 में रन कराऊंगा और OSPF वर्जन 3 में जो LSA जनरेट होगा वो नया LSA कौन सा होगा, टाइप 9। आप ये भी बोल सकते हैं टाइप 1 भी नए LSA होगा। क्यों? क्योंकि टाइप 1 के पास इंफॉर्मेशन जो है वर्जन 2 के कंपेयर में वर्जन 3 में डिफरेंट है, राइट। ये बता रखा मैंने थ्योरी पार्ट में, आपको डिटेल से बता रखा है, राइट। तो वर्जन क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें देखेंगे। अभी हम लोग OSPF इनेबल कर लेते हैं सभी इंटरफेस के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन OSPF की, मैंने जो वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं राउटर में, वो कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, 15.4 वर्जन है, राइट। तो आपको कमांड मिल जाएगी, लेकिन अगर 12.4 वर्जन आप रन कर रहे होगे तो आपको OSPF वर्जन 3 की कमांड नहीं मिलेगी, राइट। तो उसमें आपको इंटरफेस आईडी का एक मैसेज भी, राउटर आईडी का एक मैसेज भी जनरेट करेगा, वो मैं बताता हूँ क्यों देना पड़ता है। राउटर आईडी कंपलसरी क्यों है OSPF वर्जन 3 के अंदर आपको प्रोवाइड करना, वो इलेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो मैं राउटर OSPF
वर्जन 3 एंड प्रोसेस आईडी 1 ले लेता हूँ राउटर के अकॉर्डिंग। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको इधर क्या देना है, राउटर आईडी असाइन करना है। ये लेटेस्ट वर्जन है, मिस 15 पॉइंट आपका लेटेस्ट क्या आप ये बोल सकते हो, 15.4 वर्जन है और 15.4 वर्जन पे ओएसपीओ वर्जन 3 की कमांड है अवेलेबल है और इधर कोई भी मैसेज नहीं आ रहा, बट आपको राउटर आईडी मैनुअली असाइन करना पड़ेगा। विदाउट राउटर आईडी आप इस पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरफेसेस पे जो आपने आईपी असाइन किए हुए हैं वो आईपी एड्रेसेस असाइन है आईपी वर्जन 6 के, और राउटर आईडी आपका 32 बिट का होगा, राइट? और आईपी वर्जन 6 के एड्रेसेस आपके 128 बिट के, इट मीन्स राउटर आईडी आपको मैनुअल असाइन करना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में, इधर कोई नेटवर्क की कमांड नहीं होती, इधर आपको इंटरफेसेस ऐड करने पड़ेंगे। इंटरफेस लूपबैक 1 ऐड करने का तरीका, मैंने इसको एरिया 5 दिया हुआ है, इंट्रा एरिया जो बनाया हुआ है अभी, IPv6 OSPF OSPF प्रोसेस आईडी इज 1 एंड एरिया 5, राइट? ऐसे मैं लूपबैक 2 भी है मेरे पास, मैं लूपबैक 2 को भी ऐड कर लेता हूं, डन। एरिया 5 में एक इंटरफेस इथरनेट 0/0 है जो कि R2 के साथ कनेक्ट है, और इथरनेट 0/1 R4 के साथ कनेक्ट है, राइट? इंटरफेस इथरनेट 0/ राइट, ओके। मैंने दोनों इंटरफेसेस दोनों लूपबैक्स को मैंने ऐड कर दिया, मतलब OSPF वर्जन 3 में एडवर्टाइज कर दिया, राइट? मैं R2 की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, राइट? R2 पे मैं इंटरफेस की इंफॉर्मेशन चेक कर लेता हूँ कि इंटरफेस पे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं या नहीं, देख लेते। इंटरफेस पे आईपी एड्रेस अवेलेबल है R2 पे भी, और इस पे दो लूप बैक असाइंड है ऑलरेडी, ठीक है? आईपी एड्रेस आपको देना आता होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं अभी R1 पे एक नया नेटवर्क ऐड करूंगा, जिस तरीके से मैं आपको चेक कराऊंगा कि SPF कंप्यूटेशन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको बता दूंगा किस तरीके से आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए कि आपको मेरे पास IPv6 के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देखिए आप अच्छे से, और एक बेसिक लैब कर लीजिए। IPv6 पढ़ने के बाद एक मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट करके आप कोई भी एक बेसिक लैब कर लीजिए, स्टेटिक राउट की कर लीजिए, रिप की कर लीजिए, AIZ, RPA, OSPF, वो सारी लैब्स भी हैं और आपको थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट है उसके अंदर, ठीक है? उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको आइडिया है तो लेट्स कंटिन्यू, लो आगे बढ़ते हैं। ओके, IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। वर्जन 3 एंड प्रोसेस आईडी इज 2। राउटर आईडी आपको इधर देना होगा, राउटर आईडी, राइट, डन। इंटरफेसेस आपको ऐड करने पड़ेंगे। इंटरफेस लूप बैक 1, नेबरशिप देखिए आपका आप हो चुका है। जैसे ही आप राउटर आईडी दोगे नेबरशिप आप हो जाएगा, क्योंकि राउटर आईडी तो आपने प्रोवाइड कर ली, राउटर को आइडेंटिफिकेशन तो मिल गया, तो जो नेबरशिप क्रिएट होगी वो किसके साथ होगी, राउटर आईडी के साथ होगी, तो आपका नेबरशिप अप हो गया। अगर आप इंटरफेस ऐड नहीं भी करेंगे तब भी नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी, राइट? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, आई थिंक आ रहा होगा। ओके, इंटरफेस लूप बैक 1, IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी 2 एरिया 5, डन। अब मैं दूसरा लूपबैक कर लेता हूँ 2, क्योंकि सभी पे दो दो लूपबैक असाइन किए हुए, एंड इंटरफेस है इथरनेट 0/0, डन। अब इथरनेट 0/1 पे भी कर लेता हूँ, सारे इंटरफेसेस को मैंने OSPF में ऐड कर लिया, राइट? 2 की कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट है। 3 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरफेस पे इंफॉर्मेशन जरूर चेक करूंगा, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन मेरे से मिस हुई होगी तो वो दिख जाएगी, राइट? इधर भी आपके पास दो लूप बैक असाइंड है और इंटरफेस के आईपी एड्रेस भी प्रॉपर असाइंड है, राइट? कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं। एंड प्रोसेस आईडी में अकॉर्डिंग टू राउटर नंबर दे रहा हूँ, प्रोसेस आईडी, जिसे याद रहे कि इस पे क्या प्रोसेस आईडी असाइन किए हुए, एंड राउटर आईडी भी मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक? लूपबैक 1,
आईपी वर्जन 6 ओएसपी ऑफ प्रोसेस आईडी इज 3 एंड एरिया आपका कॉमन है इंट्रा एरिया। मैं 2 की बात कर लेता हूँ, मैं उसके बाद आपका इंटरफेस इथरनेट 0/0 की बात कर लेते हैं, 0/1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। R3 की ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी। इधर आपका नेबरशिप देखिए, 2 के साथ भी नेबरशिप अप हो चुका है, राइट। R3 का 2 के साथ नेबरशिप क्रिएट हो गया, उसका इंफॉर्मेशन मैसेज भी जनरेट हो चुका है आपके पास, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं R4 की कॉन्फ़िगरेशन, राइट। स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, आईपी एड्रेस चेक करते हुए चलना है। सो IPv6 व्हाट हैपन, सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। देखिए भाई, अभी मैंने इथरनेट पे आईपी एड्रेस इधर भी असाइंड है, R4 के इंटरफेस पे लूपबैक भी असाइन है प्रॉपर। मैंने एड्रेसेस प्रोवाइड कर रखे थे जिससे डिले ना हो ज़्यादा। मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, राउटर OSPF वर्जन 3 एंड प्रोसेस आईडी मैं इसको दे देता हूँ 4। राइट, अब मैं राउटर आईडी असाइन कर लेता हूँ, राउटर आईडी 4.4.4.4, डन। देन इंटरफेस लूप बैक 1 IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी में 4 एंड एरिया 5। मैं लूप बैक सेकेंड लूप बैक 2 को भी दे देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, और इंटरफेस आपके 2 हैं, इथरनेट 0/0 एंड इथरनेट 0/1, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए नेबरशिप, जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन ऐड करता हुआ जा रहा हूँ, नेबरशिप की इंफॉर्मेशन ऐड हो रही, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेबरशिप सारी प्रॉपर क्रिएट हो रही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग R1 राउटर पे आ जाते हैं। इस राउटर पे मैं R1 पे आ गया और मैं इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ कि R1 के साथ नेबरशिप किसकी है। R1 के साथ नेबरशिप आपकी R2 की होगी और R4 की होगी, बिकॉज ये दोनों ही इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैं सो आईपी वर्जन 6 OSPF नेबर इंफॉर्मेशन चेक कर लेता हूँ। देखिए R1 का जो नेबर है वो 2 है और R1 का जो नेबर है वो 4 है। अगर हम टोपोलॉजी की तरफ ध्यान से देखें तो R1 का नेबर 2 है, 2.2.2, एंड R1 का दूसरा नेबर 4.4.4.4 है, राइट। इधर आपका प्रायोरिटी तो समझ में आ रहा है, BDR भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इथरनेट लिंक है, मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, ठीक है। इधर एक आपका नई इंफॉर्मेशन जो ऐड हुई है वो ये ऐड हुई है इंटरफेस आईडी की, राइट। ये इंटरफेस आईडी की इंफॉर्मेशन ऐड हुई है। जैसे इंटरफेस जो 0/1 है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इंटरफेस 0/1 R1 का 0/1 जो इंटरफेस है उसका इंटरफेस आईडी 4 है। राउटर का इंटरफेस आईडी नहीं, राउटर आईडी नहीं, राइट, ये इंटरफेस आईडी है। इट मीन्स 0/1 पे अगर आप मल्टीपल आईपी एड्रेसेस भी असाइन करोगे तो उसका इंटरफेस आईडी 4 ही रहेगा, राइट। अब जब भी R4 अपना नेक्स्ट होप देखेगा तो नेक्स्ट होप में वो इंटरफेस आईडी की इंफॉर्मेशन लेगा, बिकॉज आप इंटरफेस पे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे हो इन IPv6। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट होप किसको बनाएगा, इंटरफेस आईडी को बनाएगा। इससे इसका मीनिंग ये है कि इंटरफेस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल गया कि आप कितने भी आईपी एड्रेसेस असाइन कर लो, बट इंटरफेस का एक रैंडम आईडी क्रिएट होगा। ये मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है, ये जैसे ही OSPF वर्जन 3 इनेबल किया है इसको एक इंटरफेस आईडी अलॉट हो चुका है जब भी आप IPv6 कॉन्फिगर करोगे, ओके। तो इस तरीके से 0/0 का जो है वो इंटरफेस आईडी क्या है, 3 है। ये जो 0/0 R2 के लिए कनेक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो नेबर में मैंने इंटरफेस आईडी की इंफॉर्मेशन आपको दिखा दी। इस तरीके से R2 के भी दो नेबर होंगे, सभी की नेबरशिप मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो आईपी वी सिक्स OSPF नेबर, ठीक है। इधर भी आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप देखिए, इधर इंटरफेस आईडी कॉमन हो सकती है। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया होगा शायद कि इंटरफेस आईडी कॉमन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या सेम नाम के दो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्या उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है? तो आप इस तरीके से अगर सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेम आईडी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। वो इंटरफेस का आइडेंटिफिकेशन है, ओके, राइट। तो इधर है इथरनेट 0/1 का भी 3 है और इथरनेट 0/0 का भी 3 है, ओके।
तो इट मींस नेबरशिप टू पे भी क्रिएट है, थ्री एंड फोर पे सभी पे मैसेजेस आ चुके थे, तो मैं नेबरशिप आपको अब चेक नहीं करा रहा, राइट। अब जो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं वो कहाँ से करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको बोला है कि जब भी OSPF वर्जन 3 कॉन्फिगर करोगे तो आपका टाइप 1 LSA नया जनरेट होगा, राइट, जिसके अंदर नेबर की इंफॉर्मेशन होगी केवल और इंटरफेस आईडी प्रेजेंट होगी, और टाइप 9 LSA जनरेट होगा जिसको हम लोग इंट्रा एरिया प्रिफिक्स LSA बोलते हैं, राइट, इंट्रा एरिया प्रिफिक्स LSA बोलेंगे टाइप 9। एक टाइप 8 LSA जनरेट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक LSA बोलेंगे, राइट। तो देख लेते हैं सारे LSA जनरेट हुए हैं या नहीं। सो आईपीवी सिक्स OSPF डेटाबेस, राइट, देख लेते हैं ध्यान से। ओके, ये आपका राउटर LSA है, ओके, ये आपका नेटवर्क LSA। मैंने आपको बोला था टाइप 1, 2 हो या 3 हो, दोनों में ही नेटवर्क LSA और राउटर LSA नेम सेम है। टाइप 8 LSA देखो नया आया है, मैंने बोला था आपको टाइप 8 मिलेगा और टाइप 9, ये टाइप 9 है। टाइप 8 का तो लिंक LSA नाम होता है, वो तो सामने दिख रहा है आपको लिंक LSA, और टाइप 9 का जो है इंट्रा एरिया प्रिफिक्स लिंक स्टेट। समझ में आ रही बात अब अच्छे से? तो LSAs तो आपको दिख गए, तो अब आपको और क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि इधर आप अगर ध्यान से देखो तो कहीं भी आपको लिंक आईडी शो नहीं कर रहा है, सभी जगह आपको एडवर्टाइज राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन है, सभी जगह आपको एडवर्टाइज राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इट मींस इसका मतलब यह है कि OSPF वर्जन 3 के अंदर कहीं भी आपको लिंक आईडी की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, राइट, ओके. तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर हम लोग टाइप 1 LSA ओपन करके देख लेते हैं, राइट, मैं आपको टाइप 1 LSA ओपन करके दिखाता हूं कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या रहेगी, राइट। तो सो आईपी वर्जन 6 OSPF डेटाबेस, और मैं इसको कर लेता हूं आपका राउटर LSA, देन राउटर LSA एंड एडवर्टाइज राउटर, राउटर LSA कौन सा आपका 1.1, क्योंकि R1 पे हूं मैं। चेक तो हम लोग सभी का कर सकते हैं क्योंकि डेटाबेस के तो सभी की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है यहां पे, राइट, 1.1.1.1 डन। अभी देखिए मैंने आपको बोला था कि जो टाइप 1 LSA होगा उसके पास नेबर इंफॉर्मेशन होगी, इसके पास नेबर इंफॉर्मेशन है। कहीं भी आप ध्यान से देखिए यहां पे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दिख रही, कहीं भी नंबर ऑफ लिंक्स कनेक्टेड राउटर या सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन दिख रही, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। इट मींस टाइप 1 LSA में नेबर इंफॉर्मेशन होगी केवल और केवल, राइट। इट मींस अगर नेबरशिप डाउन होगी या आपका स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हुए इंट्रा एरिया में, तभी आपका टाइप 1 LSA जनरेट होगा, अदरवाइज टाइप 1 LSA जनरेट नहीं होगा, राइट। अगर आप कोई नया इंटरफेस ऐड करोगे, इंटरफेस अप या डाउन होगा, तो इन सभी के लिए एक LSA नया क्रिएट हुआ है OSPF वर्जन 3 के अंदर, उसको बोलते हैं टाइप 9 LSA, राइट, टाइप 9 LSA। मैं चेक करा देता हूं टाइप 9 LSA को भी। 9 LSA को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा एरिया प्रिफिक्स। तो प्रिफिक्स से मैं चेक कराता हूं आपको, एडवर्टाइज राउटर आईडी तो सेम ही है, मैं फर्स्ट राउटर की बात करता हूं, ये देखिए आपका टाइप 9 LSA, ओके, ये फर्स्ट राउटर पे मैं आपको टाइप 9 LSA की इंफॉर्मेशन चेक करा रहा हूं, जिसमें नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको ये देखिए, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ये देखिए सभी नेटवर्क्स, जो भी टोटल नेटवर्क्स हैं, ये आपके 172 के नेटवर्क्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है अदर राउटर से, ये आपके लूपबैक हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। इट मींस कोई भी नया नेटवर्क आप ऐड करोगे, इंटरफेस ऐड करोगे, राइट, कोई भी नया लिंक ऐड करोगे, ओके, तो लिंक अप या डाउन होगा, लेकिन अप डाउन का मतलब ये नहीं है कि आपका अप डाउन होने में अगर नेबरशिप डाउन होगी तो इट मींस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो आपका टाइप 1 LSA जनरेट हो जाएगा, राइट। आप ये सोचिए कि लिंक अप या डाउन होगा, उससे अगर नेबरशिप डाउन हो रही है तो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इट मींस आपका टाइप 1 LSA जनरेट होगा, राइट। टाइप 1 LSA जनरेट होगा तो आपके एरिया में सभी राउटर्स के ऊपर SPF रन होगी, ओके. तो किस तरीके से आपने OSPF में जो SPF कंप्यूटेशन है वर्जन 3 में, उसको आपने इंट्रा एरिया में कंट्रोल कर लिया, राइट, समझ में आपको बात आ रही। तो मैं सारी चीजें चेक भी कराता हूं आपको। अब डेटाबेस में मैं एक नया R1 राउटर पे एक नया लूपबैक ऐड करता हूं,
राइट, R1 राउटर पे नया एक लूपबैक ऐड करता हूँ और फिर देखता हूँ, क्योंकि जब भी मैं एक नया लूपबैक ऐड करूंगा तो Type 1 LSA जनरेट नहीं होगा, Type 9 LSA जनरेट रीजनरेट होगा। राइट, तो देखते हैं किस तरीके से Type 9 LSA रीजनरेट हो रहा है और Type 1 LSA के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। मैं आपको चेक कराता हूँ, सो IP v6 OSPF डेटा। आप इधर ध्यान से देख लीजिए, अभी आपका जो वन है ना उसका सीक्वेंस नंबर देखिए, जब भी ये रीजनरेट होगा तो क्या होगा, इसका सीक्वेंस नंबर चेंज होगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, जब भी रीजनरेट होगा इसका सीक्वेंस नंबर चेंज होगा। इट मींस मैं नेटवर्क ऐड करने आया हूँ वाला हूँ तो आपका राउटर LSA में कोई चेंजमेंट यहाँ नहीं मिलेगी। ओके, चेंजमेंट आपको कहाँ मिलेगी, इंट्रा एरिया प्रीफिक्स में मिलेगी। इट मींस आपको इधर सीक्वेंस नंबर चेंज होता हुआ दिखेगा जैसे ही मैं कोई नेटवर्क ऐड करूंगा। ओके, मैं ऐड करने जा रहा हूं नेटवर्क, इसमें मैं लूपबैक 3 ऐड कर देता हूं। राइट, मैं कोई एक एड्रेस ऐड कर लेता हूं, आई थिंक लूपबैक में 192 चल रहा है, 192.168.100 कॉलन, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, कॉलन डबल कॉलन 1/64 सॉरी। ओके, अभी मैंने इसको क्या किया हुआ है, इंटरफेस दिया हुआ है। अब इंटरफेस लूपबैक 3 के अंदर मैं इसको एरिया को ऐड कर देता हूँ। ओके, जैसे मैंने ऐड किया है तो क्या होगा, एक टाइप 9 LSA जनरेट हुआ होगा। अभी देखिए इधर क्या चेंजेस होंगे, 9 में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ओके, मैं अगेन सो IP OSPF डेटाबेस कमांड रन कराने वाला हूँ तो आपको 9 में चेंजेस मिलेंगे, बट अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, 1 में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे क्योंकि टाइप 9 LSA जनरेट होगा। ओके, देखिए ध्यान से, अभी भी स्टिल 1 में कोई चेंजेस है नहीं, 3 है सिक्वेंस नंबर, 9 में आपको चेंजेस मिलेंगे, पहले क्या था 6, अभी क्या शो कर रहा है, क्योंकि जब भी रीजनरेट होगा LSA तो क्या होगा, नए सीक्वेंस नंबर के साथ इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा। समझ में बात आ रही, इट मींस अभी टाइप 9 LSA जनरेट हुआ है और टाइप 9 LSA जब जनरेट होगा तो SPF किसी भी राउटर पे रन नहीं होगी, मैं आपको चेक कराऊं SPF रन होगी कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं R1 राउटर पे चेक करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ SPF कितनी बार रन हो चुकी है। राइट, सो IPv6 OSPF कंप्यूटर स्टेटिस्टिक्स, अभी SPF रन हुआ 6 टाइम्स R1 पे, R4 राउटर। डिटेल से चेक कराने के लिए मैं आपको सो IPv6 OSPF स्टेटिस्टिक्स, क्या हो रहा है, सो IPv6 OSPF, ठीक, देखिए इसमें आपका है 2 टाइम्स R2 राउटर, सो IPv6 OSPF, ठीक, इसमें आपका 4 टाइम्स है, 3, सो IPv6 OSPF। इधर आपका 4 टाइम्स। अभी आप ध्यान से देखो, R1 में SPF काउंट क्या है, 6 टाइम्स, R4 SPF काउंट 2 टाइम्स, R2 4 टाइम्स एंड R3 4 टाइम्स। राइट, मैं R1 राउटर पे अगेन एक नेटवर्क ऐड करता हूँ R1 राउटर पे, क्योंकि जब भी नेटवर्क आप ऐड करोगे तो इट मीन्स स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है तो SPF कंप्यूटेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐड कर देता हूँ अगेन जिससे आपको समझने में आसानी होगी, इंटरफेस लूपबैक 4 ऐड कर दिया मैंने। राइट, IPv6 एड्रेस, एक नया एड्रेस दिया मैंने, 192:168:100 55
डबल कॉलन वन, राइट। फोर्थ नंबर ग्रुप मैंने दिया हुआ स्लैश 64, 1 2 3, फोर्थ नंबर ग्रुप सबनेट स्लैश 64। ओके, इसको मैं ऐड कर देता हूँ किसमें, इंटरफेस लूपबैक 4 को एडवर्टाइज करा देता हूँ ओएसपीएफ में, ऐड भी कर दिया मैंने, राइट। जैसे ही मैंने ऐड किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि चेंजेस किस में आ गए होंगे, टाइप 9LS से जनरेट हुआ है, तो अभी सीक्वेंस नंबर क्या था, 7 था, तो इधर तो कोई चेंजेस नहीं हुए होंगे किस में, ये एज इट इज आपको 3 मिलेगा। अभी भी डेटाबेस चेक करेंगे, सीक्वेंस नंबर आपको इधर 7 की जगह क्या चेंज हो जाएगा, टाइप 9, क्योंकि नेटवर्क ऐड किया है तो टाइप 9LS से जनरेट हुआ होगा। मैं चेक कराता हूँ आपको, स्वाइप ओएसपीएफ डेटाबेस करें, इधर स्टिल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है टाइप 1LS में, आपको समझ में बात अच्छे से आ गई होगी। इधर देखिए आपका सीक्वेंस नंबर चेंज है क्योंकि नेटवर्क ऐड किया, इट मीन्स टाइप 9LS जनरेट हुआ है। अब मैं आपको एसपीएफ काउंट दिखाता हूँ कि एसपीएफ काउंट का स्टेटस क्या है, स्टेटिस्टिक, राइट। ये आपका क्या है, 6, एज इट इज 6 है, मीन्स टाइप 9 जनरेट हुआ, तो एसपीएफ में कोई चेंजेस नहीं आए किस पे, R1 पे, R4 पे भी आपको एसपीएफ के अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, स्टिल 2, नो चेंजेस, 4, 4, आपने एसपीएफ जो कंप्यूटेशन है उसको रिड्यूस कर लिया है। देखिए आपने नेटवर्क ऐड किया बट किसी भी राउटर पे एसपीएफ रन नहीं हुआ, ओके। इस राउटर पे भी देखिए, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, ओके, डन, समझ में आ गया। बट जैसे ही टाइप 1LS रिजनरेट होगा, टाइप 1LS कब रिजनरेट होगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है कि टाइप 1LS में जो इंफॉर्मेशन है वो किसकी है, नेबर इंफॉर्मेशन है, अगर नेबरशिप डाउन होगी तो टाइप 1LS रिजनरेट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नेबरशिप डाउन कर देते हैं, जैसे ही टाइप 1LS रिजनरेट होगा सभी राउटर्स पे एसपीएफ काउंट इंक्रीज कर जाएगा, ओके। तो मैं एक इंटरफेस पे जाता हूं, इंटरफेस कोई एक इंटरफेस ले लेता हूं, इथरनेट 0x0, और इस पोर्ट को मैं कर देता हूं शट डाउन, ओके। जैसे ही मैंने पोर्ट को शट डाउन किया, मैं स्टेटस चेक करता हूं R4 राउटर पे, एसपीएफ कंप्यूटेशन क्या था, 2 टाइम्स एसपीएफ काउंट था, आ जाते हैं क्या हो गया आपका, 3 टाइम्स, ओके, इंक्रीज हो रहा है बिकॉज एसपीएफ सभी राउटर पे रन होगी। इधर मैं कर लेता हूं, एसपीएफ काउंट कितना हुआ, पहले कितना था, 4, अभी क्या हो गया, 5, ओके, R3 राउटर पे आ जाते हैं, पहले कितना है, 4, अभी क्या हो गया, 6। आपका एसपीएफ कंप्यूटेशन मीन्स नेबरशिप अप या डाउन, दो राउटर से कनेक्टेड है ना, R3 जो हमारा है वो 2 और 4 के साथ कनेक्ट है, इसलिए इधर आपका एसपीएफ 2 टाइम्स रन हो गया, ओके, इंफॉर्मेशन बोथ साइड से आ रही। तो देखिए आपका जो एसपीएफ काउंट है इंक्रीज तभी हो रहा है जब आपका टाइप 1 जनरेट हुआ, क्योंकि अभी आपने नेबरशिप डाउन की है, तो नेबरशिप डाउन होने की वजह से टाइप 1LS जनरेट होगा। तो अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, बट मैं आपको जो अभी मैंने लिंक LSA जो है टाइप 8LSA उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो क्या है। तो अगर आपको टाइप 8LSA मैं ओपन करके दिखाऊं, तो टाइप 8LSA में क्या इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको पहले बता देता हूं, राइट। क्या होगी कि R2 राउटर R1 के साथ कनेक्ट है एंड R2 राउटर R3 के साथ कनेक्ट है, तो जो भी टाइप 8LSA मींस जो लिंक LSA है उसके पास लिंक की इंफॉर्मेशन होती है अपने, राइट, अदर लिंक की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मैं R2 राउटर पे आपको चेक करवाता हूं, सो IPv6 OSPF डेटाबेस, राइट, देखिए यहां से मैं इधर आपका जो टाइप 8 है उस टाइप 8 में क्या इंफॉर्मेशन है आप देखो, मैं जिस राउटर पे हूं वो R2 है, R2 राउटर के पास देखिए 3 की इंफॉर्मेशन है जो इसके साथ कनेक्ट है, राइट, और R2 राउटर के पास 1 के लिंक की इंफॉर्मेशन है, बट R2 राउटर के पास R4 की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो आपका टाइप 8LSA है वो लिंक लोकल के लिए है, राइट, अदर लिंक के साथ उसका कोई भी अपडेट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, अगर आप इसको ओपन करके चाहते हो तो चेक कर सकते हो, आप ओपन करके देख लीजिए, सो IPv6
OSPF डेटाबेस, इसको आप लिंक से यूज़ करेंगे एंड एडवर्टाइज राउटर आईडी दे देंगे। एडवर्टाइज राउटर आईडी आपका क्या है, 2.2 करना है तो 2.2 कर लीजिए, सेल्फ में देखना है, थ्री का देखना है तो थ्री का देख कर लीजिए। देखिए, जैसे ही मैंने टाइप ए टेलेसे ओपन किया, टाइप ए टेलेसे में लिंक्स की इंफॉर्मेशन है। टाइप ए टेलेसे में आप देखिए ध्यान से, तो जो इंफॉर्मेशन है वो लिंक की है। ये देखिए लिंक लोकल एड्रेस, राइट, आपको मैं कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए लिंक लोकल एड्रेस, ओके, लिंक लोकल एड्रेस प्लस जो लिंक पे असाइंड एड्रेस प्लस जो लिंक पे असाइंड एड्रेस, मींस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन है, लिंक लोकल एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड टू लिंक इंफॉर्मेशन है आपका टाइप ए टेलेसे में। तो मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से कंप्यूटेशन इंक्रीज हो सकता है, मतलब कंप्यूटेशन कब बढ़ेगा और कब कंप्यूटेशन नहीं बढ़ेगा। टाइप 9 जनरेट होगा, कंप्यूटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एसपीएफ कंप्यूटेशन में। अगर टाइप 1 जनरेट होगा तो आपका एसपीएफ इंट्रा एरिया के सभी राउटर्स पे रन होगा। प्लस मैंने आपको इंटरफेस आईडी की भी बात की थी, और ये भी बता रहा हूं मैं कि एक इंटरफेस पे मल्टीपल आईपी एड्रेस इधर असाइन कर सकते हो, किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। आई थिंक इस पे शटडाउन कमांड चली हुई थी, तो मैं इसको इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे नो शटडाउन इस पोर्ट को अगेन अप कर देता हूँ। थिंक कुछ तो इशू आ रहा है, डन, ओके, नेवर से पॉप हो गई, डन। अभी मैं इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे एक नया कोई आईपी एड्रेस अगर असाइन कर देता हूँ तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। इंटरनल अभी 172:168:100 चल रहा है, मैं कॉलन करके फोर्थ जो ग्रुप है वो आपको सबनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इधर आपका कर देता हूँ 77 एंड :164, ओके। देखिए मैंने इथरनेट 0/0 पे एक आईपी एड्रेस नया ऐड कर दिया है, मींस एक इंटरफेस पे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हो गए। अभी एक इंटरफेस पे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हो गए, सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। ये देखिए एक इंटरफेस पे मैंने दो मल्टीपल आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए, बट इसका इंटरफेस आईडी स्टिल सेम होगा, इंटरफेस आईडी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो जब मल्टीपल आईपी एड्रेसेस आप एक इंटरफेस पे असाइन कर दोगे तो आपका नेक्स्ट हॉप कौन है ये कैसे पता चलेगा? इसलिए OSPF वर्जन 3 के अंदर जब IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एट दैट टाइम राउटर एक इंटरफेस आईडी इलेक्ट करेगा, या बोलेंगे एक इंटरफेस आईडी रेंडमली जनरेट कर देगा फॉर इंटरफेस, ओके। आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने कोशिश की है कि आपको डिस्क्राइब कर दूं मैं। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सारे वीडियोस के कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं, राइट, तो आपको एक छोटी सी हेल्प ये करनी है कि वीडियो शेयर करने, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने, और कमेंट्स करना है और लाइक करना है, राइट, जिससे मैं बहुत सारे वीडियोस मैं कोशिश करने वाला हूँ कि BGP, MPLS और यहाँ तक कि मल्टीपल फायरवॉल, डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल्स के भी वीडियोस इस चैनल पे मैं अपलोड करूँ, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।